देखो एक्सरसाइज 20A क्वेश्चन नंबर 21 बोलते हैं सम ऑफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 35 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर का मतलब है कि वो नीचे से भी बंद है, ऊपर से भी बंद है। ठीक है, साइड से तो बंद ही होगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं ये आपके पास क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर दिया है। ओके, जिसका रेडियस मान लो आर है और हाइट क्या है। ठीक है, तो क्या दिया इन्होंने, ठीक है, रेडियस और हाइट का सम 35 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ओके, एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 308 सेंट। ठीक है, जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना दिया है, 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो कंडीशन दी है आपके पास, इसका यूज करना है एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। और आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर एच, यानी कि मुझे स्मॉल आर और एच भी चाहिए। ठीक है, देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मेरे पास, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही होता है टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई आर। ठीक है, इंटू आर प्लस एच टोटल सरफेस एरिया, और विच इज इक्वल टू 3080। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, 2 पाई आर, आर प्लस एच कितना है आपके पास, आर प्लस एच 35 है, तो 35 इज इक्वल टू 3080। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3080 अपॉन 35 इंटू 1 अपॉन 2 पाई, तो 22 7 चल जाएगा ऊपर। ठीक है, 7 5 जा, ठीक है, एंड 6 1 6 3 0 8 एंड 11 2 1 5 4, 11 11 से किया 14। आर की वैल्यू मेरे पास 14 सेंटीमीटर आ रही है। इस वैल्यू को लो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो मेरे पास एच भी आ जाएगा फ्रॉम 1। ठीक है, 14 प्लस एच इज इक्वल टू 35, देयरफॉर एच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। आर और एच आ गया, उठाओ यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 एंड आर की वैल्यू 14 इंटू 14 और एच की वैल्यू 21, तो 7 2 14 मल्टीप्लाई कर लो जो भी आएगा इसके पास आपके पास। ठीक है, 44 इंटू 294, यानी कि विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो, 294 इंटू 44। ठीक है, 12936 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आएगा इसका वॉल्यूम, आया समझ में। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन नंबर 20, ये मैंने करवाया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 जो था वो बिल्कुल सेम था जो हमने 19 क्वेश्चन किया है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 20 होगा। ठीक है, वो मैंने आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, तो ये था 21 क्वेश्चन। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 22, यदि आपके पास द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज दिस, टोटल सरफेस एरिया दिया आपके पास, एंड इफ द रेशियो बिटवीन इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इज 1:2। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सेंटर, आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, देखो अगर आपके पास रेडियस जो है मान लो, ठीक है, वो आर सेंटीमीटर है और जो हाइट है सिलेंडर की, ठीक है, वो है मेरे पास एच सेंटीमीटर। लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज आर सेंटीमीटर एंड द हाइट इज एच सेंटीमीटर। ठीक है, देखो जो इसका कर्व सरफेस एरिया है वो क्या होगा, 2 पाई आर एच, और जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होगा इसका, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया आपको दिया भी है 616। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया दिया भी है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन दी है, और ठीक है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, इफ द रेशियो बिटवीन इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया है और जो टोटल सरफेस एरिया है इसका रेशियो आपके पास 1:2 दिया है, फाइंड द वॉल्यूम। क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है, यानी कि पाई आर स्क्वेयर एच। तो आपको क्या चाहिए, आर भी चाहिए और एच भी चाहिए। ठीक है, ओके,
तो देखो देखो, हमें इसका यूज करना है। तो देखो कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर एच डिवाइड बाय टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर कॉमन है तो एच प्लस आर, ठीक है। तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर इज इक्वल टू 1/2। 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 एच इज इक्वल टू एच प्लस आर। एच यहाँ के सब्ट्रैक्ट हुआ तो एच इज इक्वल टू आर, एच और आर की वैल्यू इक्वल आ रही है, ठीक है। ये मेरे पास 616 था, ठीक है। आर और एच इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। इसका और इसका यूज करो, ठीक है। ये वैल्यू गिवन है तो आपके पास आर और एच दोनों निकल जाएंगे। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने के अलग अलग तरीके, आप जैसे मर्जी करो, ठीक है। यहां पुट कर दो 2 पाई आर इंटू एच की जगह क्या आ जाएगा, आर प्लस आर, ठीक है, क्योंकि एच और आर के हैं आपस में इक्वल है, एंड विच इज इक्वल टू 616। तो 2 पाई आर इंटू 2 आर इज इक्वल टू 616, यानी कि आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 616 अपॉन 4 पाई, यानी कि आर स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या जाएगा, 616 अपॉन 4 इंटू पाई, 22 अपॉन 7, 7 चला गया ऊपर, ठीक है। तो 4 से 154 एंड 22 7 154, ठीक है। तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 स्क्वेयर, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। आर और एच इक्वल हैं तो आर और एच दोनों की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 7 सेंटीमीटर। लो वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई 22 अपॉन 7, आर स्क्वेयर 7 इंटू 7 7 स्क्वेयर, एच की वैल्यू 7, 7 से 7 कट गया, एंड विच इज इक्वल टू 22 इंटू 49, एंड विच इज इक्वल टू 11 इंटू 98 इज इक्वल टू 8 8 7 7 1, ठीक है। तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो जो कंडीशन दी थी, ठीक है, वो उसका मैंने यूज किया, दोनों का रेशो दिया, दोनों का रेशो का मैंने यूज किया, तो मेरे पास एच और आर इक्वल आ गए। अब इस वैल्यू को लिया, यहाँ पर एक गिवन था तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, आर भी आ गया और एच भी आ गया, ठीक है। और वो वॉल्यूम में सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, तो आपके पास वॉल्यूम भी आ गया सेंटर, ठीक है। तो जिसके अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन दिया है वैसे वैसे आपने करते जाना, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 23 बोलते हैं, अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 40 सेंटीमीटर। ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, जिसकी हाइट आपके पास दी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड डायमीटर 40, तो रेडियस कितना जाएगा इसका, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इज फुल ऑफ वाटर, ये पूरा पानी से भरा है। फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्मॉल सिलिंड्रिकल बॉटल्स ईच ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 8 सेंटीमीटर विच कैन बी फिल्ड विद दिस वाटर, ठीक है। ये पूरा जो है, ठीक है, पानी से भरा है, ठीक है, ये पूरा आपके पास पानी से भरा हुआ। अब इस पानी को क्या करना है, आपने छोटे छोटे सिलेंड्रिकल वेसल में डालना है, छोटे छोटे सिलेंड्रिकल वेसल में पानी को डालना है, ये बोल रहे हैं ये, ठीक है। ओके तो ये बोल रहे हैं, ठीक है, ये जो पूरा पानी है इन छोटे छोटे सिलेंड्रिकल वेसल में डालना है, तो बोल रही है कितनी वेसल्स लगेंगी, ठीक है, कितनी वेसल्स लगेंगी, अप टू 100 ऑन, मुझे नहीं पता कितनी वेसल लगेंगी, ठीक है। पर देखो एक चीज, ये जो पूरा पानी है, ठीक है, ये कितना पानी है इसके अंदर, ठीक है, जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, ठीक है, और उसको आपने फिल करना है इन छोटी छोटी बॉटल्स में, सेंड्रिकल बॉटल्स में, ठीक है। तो बोलते हैं कितनी बॉटल्स होंगी, ठीक है। अब हमें नहीं पता कितनी बॉटल्स होंगी, मैंने मान लिया एच बॉटल्स होंगी, तो जो इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वेयर एच, वो किसके इक्वल होगा, ठीक है, इसका कैपिटल आर मान लो, कैपिटल एच मान लो, वो किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वेयर एच इंटू नंबर ऑफ बॉटल इज, मैंने मान लिया एक्स, ठीक है। देखो ये जो पूरा पानी है, ठीक है, यानी कि जो इस सेंटर का वॉल्यूम है वो आपने डाला है इन छोटी छोटी बॉटल्स में, तो एक में मान लो कुछ पार्ट आ रहा है, ठीक है, तो सारा कितने में आएगा पानी, ये एक्स बॉटल्स में, तो
ए का वॉल्यूम इतना, तो एक्स बोटल्स का वॉल्यूम इतना, तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो आपसे इन्होंने एक्स की वैल्यू पूछी है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई आर स्क्वेयर एच अपॉन पाई आर स्क्वेयर स्मॉल एच इज इक्वल टू एक्स, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द बिगर सिलेंडर डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल सिलेंडर। ठीक है, ये फार्मूला बन गया। ओके, एक बार फिर सुन लो, ये बोलते हैं कि जो ये टैंक है पूरा पानी से भरा है, सेंट्रिक से पूरी पानी से भरी है, तो इसमें कितना पानी होगा, जो इसका वॉल्यूम होगा, यानी कि ये। अब इस पानी को आपने छोटी छोटी वेसल्स में डालना है, ठीक है, तो ये कितनी वेसल्स में पानी आएगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया एक्स वेसल्स में पानी आएगा, एक में आएगा पाई आर स्क्वेयर एच, तो एक्स में कितना आ जाएगा, ठीक है, एक्स इंटू पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये जो पूरा पानी है वो एक्स वेसल्स में आ चुका है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो यहां से मेरे पास ये फार्मूला बन गया। ठीक है, मैंने मान लिया लेट एक्स बी द नंबर ऑफ वेसल्स, इसको पूरा लिख लो, ठीक है, नंबर ऑफ वेसल्स। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लार्ज वेसल, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ठीक है वन स्मॉल वेसल। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या, पाई कैपिटल आर स्क्वेयर है, देखो डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने आर और एच यहां पर बड़ा लिया है और यहां पर छोटा लिया है। ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू पाई से पाई कट गया, तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 20, तो 20 स्क्वेयर, और कैपिटल एच की वैल्यू 24, डिवाइड बाय आर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, डायमीटर 8 है, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 स्क्वेयर इंटू हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी दी आपके पास, एक की 10 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा 10, एंड विच इज इक्वल 20 इंटू 20 इंटू 24 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 इंटू 10, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 2 जा 4, ये आ गया 10 एंड ये आ गया 6, यानी कि मेरे पास 16, तो कितनी नंबर ऑफ वेसल्स लगेंगी, 60 वेसल्स लगेंगी, तो ऐसी ऐसी 60 वेसल्स लगेंगी, ये जो छोटी छोटी वेसल्स हैं, तब जाके ये पूरा पानी इनमें फिल होगा। ठीक है, आया समझ में। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 24, टू सॉलिड सिलेंडर्स, वन ऑफ डायमीटर 60 एंड हाइट 30 सेंटीमीटर, एंड द अदर विद रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 60 सेंटीमीटर, आर मेल्टेड एंड रिकास्टेड इन टू अ थर्ड सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो आपके पास क्या दिया, दो सॉलिड सिलेंडर हैं, ये एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका डायमीटर 60 है, तो रेडियस कितना आ जाएगा इसका, 30 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी है इसकी, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द अदर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 60 सेंटीमीटर, और इसके बाद एक और है, ठीक है, सिलेंडर जिसका रेडियस भी कितना है, 30 सेंटीमीटर है, लेकिन हाइट कितनी है इसकी, 60 सेंटीमीटर है, आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ थर्ड सॉलिड सिलेंडर, इन्हें क्या किया, मेल्ट किया और रिकास्ट कर दिया, यानी कि मेल्ट करके पिघला के एक नया सिलेंडर बना दिया, ये एक नया सिलेंडर बना दिया इन्हें पिघला कर। ठीक है, डायमीटर और ठीक है, जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर, तो आपको इसका डायमीटर निकालना है, तो इसका रेडियस मैंने मान लिया, ठीक है, कैपिटल आर, इसका रेडियस मैंने मान लिया आर टू, और इसका रेडियस मैंने मान लिया आर वन। फिर सुन लो ये क्या बोल रहे हैं, आपके पास दो सॉलिड सिलेंडर हैं, ठीक है, इन्हें आपने मेल्ट करना है और रिकास्ट करके एक नया बनाना है। ठीक है, तो जिसका आपके पास हाइट दी और आपने डायमीटर निकालना है। ठीक है, तो देखो जब भी हम किसी भी चीज को पिघलाकर नई चीज बनाते हैं तो उसमें हमेशा वॉल्यूम सेम रहता है, क्योंकि जिस ये जो सेंटर जितने मटेरियल का बना होगा, ठीक है, ये जितने मटेरियल का बना होगा, इनको पिघला के जो आपके पास मटेरियल आएगा उसी मटेरियल का तो ये बन रहा है ना, तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है ना, तो कुछ उसमें कम हो रहा है, तो दोनों को बनाने में जितना मटेरियल यूज हो रहा है
उतना ही इसी में यूज हो रहा है। तो क्या चीज रहेगी, सेम वॉल्यूम, यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा V1, इसका जो वॉल्यूम V2 होगा वो किसके इक्वल होगा, इसका वॉल्यूम अगर V है तो V के इक्वल होगा, ये कंडीशन हमारे पास थी है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, क्योंकि जब जब भी आप रिकास्ट करके पिघला के मेल्ट करके नई चीज बनाते हैं तो हमारे पास हमेशा वॉल्यूम सेम रहता है, यानी कि इन दोनों का वॉल्यूम का जोड़ जो है इसके अकेले के वॉल्यूम के इक्वल होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या जाएगा, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V, यहां पर लिख लेना, लेट V1 इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है, या मेंशन कर दो लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, ऐसे लिख लो। ठीक है, क्या दिया आपके पास, ये आ गया 4 फर्स्ट सिलेंडर, ठीक है, रेडियस यानी कि R1 इज इक्वल टू कितना दिया आपके पास 30 सेंटीमीटर, एंड हाइट यानी कि H1 कितनी दी आपके पास इसकी 30 सेंटीमीटर, तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल, वॉल्यूम आ जाएगा इसका V1 एंड विच इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वेयर H1, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही फोर सेकेंड सिलेंडर, ठीक है, जो रेडियस है वो क्या आ जाएगा, R2 ले लिया मैंने, वो कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड हाइट कितनी है सेकेंड सिलेंडर के लिए, यानी कि H2 इज इक्वल टू मेरे पास 60 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज V2 एंड विच इज इक्वल टू पाई R2 का स्क्वेयर इंटू H2, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, एंड लेट द रेडियस ऑफ न्यू सिलेंडर इज इक्वल टू क्या जाएगा, कैपिटल R सेंटीमीटर, और जो हाइट होगी, हाइट ऑफ न्यू सिलेंडर वो मेरे पास क्या जाएगी, कैपिटल H सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, इसे रफ कर दूं क्योंकि कैलकुलेशन है, क्योंकि हमें लग गया पता अब हमने क्या करना है, इसकी हमें जरूरत नहीं अब। तो देखो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V इज इक्वल टू जो न्यू सिलेंडर था उसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 के, तो इसका वॉल्यूम क्या जाएगा, पाई कैपिटल R स्क्वेयर इंटू कैपिटल H इज इक्वल टू इसका क्या था, पाई R1 स्क्वेयर इंटू H1 प्लस पाई R2 स्क्वेयर इंटू H2। आप अलग अलग निकाल के भी यहाँ पर सब्सिट्यूट कर सकते हो, देखो पाई तीनों में कॉमन है, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू पाई इंटू R1 स्क्वेयर इंटू H1 प्लस पाई, देखो मैंने इसलिए यहाँ पर किया था क्योंकि मेरे पास कैलकुलेशन छोटी हो जाए, पाई से पाई कट गया, तो कैपिटल R स्क्वेयर इंटू H इज इक्वल टू R1 स्क्वेयर इंटू H1 प्लस R2 स्क्वेयर इंटू H2। आप पाई के वैल्यू सब्सिट्यूट करके भी कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशन अलग अलग तरीके करते रहो। ठीक है, देखो इसका जो रेडियस है आपको निकालना है तो R स्क्वेयर, लेकिन इसकी जो हाइट थी वो कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, इंटू 10 इज इक्वल टू R1, R1 कितना 30, 30 स्क्वेयर इंटू H1 30, प्लस ये R2 कितना था मेरे पास 30 स्क्वेयर इंटू H2 कितना था मेरे पास 60। ठीक है, तो देखो 10 R स्क्वेयर इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करने के तरीके हैं, 30 स्क्वेयर कॉमन है तो 30 प्लस 60 बचा, एंड जीरो से, सॉरी नॉट जीरो से, इसको रहने दो अभी, तो 10 R स्क्वेयर इज इक्वल टू 900 इंटू 90। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो R स्क्वेयर कितना आ गया 8100, यानी कि R स्क्वेयर कितना आ गया 90 का स्क्वेयर, तो R की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो न्यू सिलेंडर बना उसका रेडियस मेरे पास 90 सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन आपसे पूछा है डायमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल R, यानी कि 2 इंटू 90 सेंटीमीटर
एंड विच इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो डायमीटर है सिलेंडर फॉर्म, जो नया सिलेंडर फॉर्म हुआ है उसका डायमीटर कितना आएगा आपके पास, 180 सेंटीमीटर। ओके,